सारे ही पंछी जंगल में बहुत खुश थे। मौसम अच्छा था, सुबह का टाइम था, अनाज और फल वगैरह की कोई कमी ना थी। पारो चिड़िया भी अपना भोजन ला के बच्चों के पास जा रही थी। सब कुछ ही ठीक से चल रहा था कि अचानक राजे का संदेश लेकर उल्लू आता है। सुनो सुनो सुनो, राजा जी ने तुरंत सभी पंछियों को अपने महल में बुलवाया है। कोई जरूरी जानकारी देनी है, इसलिए आप सभी को देरी ना करते हुए राजा जी के महल में पहुंचना है। राजा जी के हुक्म का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हुआ होगा कि राजा जी को तुरंत अपने महल में सभी पंछियों को बुलवाना पड़ा। पारो ये सोचती है और अपने फल उठा के बच्चों की तरफ चल पड़ती है। वो अपने घर में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने घर में पहुंचती है, मानू और चिन्नी जो उसके बच्चे घर में इंतजार कर रहे होते हैं खुश हो जाते हैं। माँ आ गई, माँ आ गई, वो देखो माँ आ गई। प्यारे बच्चों, आप ये भोजन खाओ और मुझे राजा जी के पास जाना है, क्योंकि उन्होंने तुरंत अपने महल में हमें बुलवाया है। आपस में बिल्कुल भी मत झगड़ना और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना जब तक कि मैं आऊं। किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। वो ये सभी बातें अपने बच्चों को करके वहां से चल पड़ती है। मानो फल खाने लगता है और साथ ही ये सोचता है कि पता नहीं माँ को क्या हुआ कि दोबारा से राजा जी के पास चली गई। पता नहीं कौन सा काम होगा। प्यारे दोस्तों, हम पर अचानक ही एक मुसीबत आन पड़ी है। मौसम बहुत ख़राब होने वाला है और बारिश और तूफान का ख़तरा है, तो तुम सभी को अपने घोंसले ऊपर ले जाने होंगे ताकि अगर जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप लोगों के घोंसले ऊपर ही हों। इसीलिए फौरन अपने घोंसलों को ऊंचे दरख्तों के ऊपर शिफ्ट करें आप लोग। लाली मासी कहती है, लेकिन राजा जी अभी तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, आज सुबह भी बहुत अच्छा मौसम था, तो ऐसा क्या हो गया कि एकदम से तूफान आ जाएगा? क्या पता हमें गलत खबर मिली हो। आपने सच कहा है, लेकिन मौसम की जानकारी देने वाले पंछियों ने हमें खबर दी है कि बहुत जल्दी ना सिर्फ बारिश होने वाली है बल्कि बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए वक्त से पहले ही हमें खुद को सेव करना होगा। अब आप लोग देरी ना करते हुए यहाँ से जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। अपने घरों को, अपने घोंसलों को आप ऊपर के पेड़ों पर ले जाइए। सारे पंछी वहाँ से उड़ जाते हैं। रास्ते में मीनू मौसी कहती है, देख लेना मैं तो बहुत अच्छा घर बनाऊंगी, तुम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा। बेशक मेरी उम्र ज़्यादा है और मेरा कोई इस दुनिया में है भी नहीं, फिर भी तुम्हारे घर से तो अच्छा ही होगा। लाली बुआ कहती है, ओ हो, बढ़िया ही अच्छा घर बनाने वाली, बस इनको तो झगड़ा ही चाहिए होता है। ये बात करके पारो आगे उड़ जाती। अरे ओ कालू, तुझे तो पता है मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैंने लकड़ियां तो जोड़ ली हैं, अब मुझे ये ऊपर के पेड़ पे जरा रख दे, मैं उठा के उड़ नहीं सकती। बस लाली बुआ तो जहां मुझे देखती है काम ही देने लग जाती है। ये बात करके लाली बुआ उड़ जाती है और कालू बेचारा उसकी भी लकड़ियां ऊपर के पेड़ पे रखता है। 2 से 3 दिन के बाद सारे ही पंछी अपने अपने घर बना लेते हैं। तुम सबसे उम्र में ज्यादा हूँ, लेकिन फिर भी देख लो, सबसे सुंदर और सबसे अच्छी काठी का घर मैंने ही बनाया है। लाली बुआ को तो बस चाहिए अपनी शेखियाँ होती हैं। सारे कालू और पारो वगैरह उसको देखने लगते हैं। बस जी, 2 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद बहुत ही खूबसूरत घर सारे ही पंछियों के तैयार हो जाते हैं और वो ऊंचे पेड़ों पर ही अपने घर बनाते हैं। अब इंतजार था तो इस बात का था कि कब तूफान आए। इसी तरह से समय बीतता जाता है और एकदम से घने बादल एक दिन जंगल पर छा जाते हैं और देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि जंगल में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब जंगल में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो अब सभी पंछियों को ये डर हो जाता है कि पानी उनके घोंसलों तक ही ना आ जाए। उनका डर ठीक साबित होता है। बारिश मजीद 2 दिन जारी रहती है। 4th दिन में जंगल में पानी इतना ऊंचा आ जाता है कि उनके घोंसलों तक पानी पहुंच जाता है। पानी सारे ही दरख्तों को अपनी लपेट में ले लेता है। पारो अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी होती है कि एकदम पानी उसके घोंसले तक भी आ जाता है। अरे बाप रे, मैंने तो अपना घर सबसे ऊपर बनाया था, अगर पानी मेरे घोंसले तक पहुंच गया है तो बाकी पंछियों के भी घोंसले डूब गए होंगे। चलो बच्चों, वो देरी ना करते हुए वहां से उड़ जाती है।
सभी ही पंछी सबसे ऊंचे पेड़ पे बैठे होते हैं कि वहाँ उल्लू राजा जी का संदेश लेके आ जाता है। सारे पंछी देखने लग जाते हैं कि उल्लू सैनिक पता नहीं कौन सा संदेश लेके आया है, अब राजा जी का क्या हुक्म होगा। सुनो, राजा जी ने संदेश दिया है, पास के जंगल में एक बड़ा पेड़ है जो हमेशा एक पंछी की बलि मांगता है। एक पंछी की बलि के बाद इस तरह की बारिशें और तूफान रुक जाते हैं, तो आप में से कोई पंछी अपनी बलि देगा। ये कह के उल्लू वहाँ से चला जाता है और सभी पंछी परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या कोई पंछी अपनी बलि देगा या उसकी बलि देने से वाकई तूफान रुक जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय।